चतुरंगी विकास खंड के ग्राम पंचायत क्षेत्र बसनिया से जहां क्रियान्वयन एजेंसी आरईएस के द्वारा हाल ही में तुलसी सिंह के घर के पास 65,50,000 की लागत से अमृत सरोवर तालाब बनकर के तैयार हुआ है। बताते चले कि आदिवासी बहुल क्षेत्र बसनिया में जहां लोग मजदूरी को मोहताज है, वहीं पर जेसीबी ट्रैक्टर से कार्य कराया गया है। जो मजदूर सप्ताह या 15 दिन काम भी किए हैं, उन्हें अभी तक मजदूरी नहीं दी गई है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। एसडीओ मनरेगा के द्वारा शासन के साथ जो आंख मिचोली खेली गई है, इसे धोखा ना कहे तो क्या कहे। जबकि बांध में बीचों बीच दरार आ चुका है, वही पीचिंग में पत्थर नीचे की ओर खिसकना शुरू कर दिए है। ऐसे में भारी बारिश होने से बांध कभी भी टूट सकता है, तस्वीरें सीधा बयां कर रही है। और तो और, इस तरह से क्षेत्र में एसडीएम मनरेगा के द्वारा कई ऐसे कार्यों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। आखिर कब तक इस तरह से गरीबों का निवाला छीना जाता रहेगा। अभी भी प्लान रुकता है, प्लान जारी रहता है, जिसकी जांच अनिवार्य हो चुकी है। प्रस्तुत सिंगरौली से शिवेंद्र धर द्विवेदी की रिपोर्ट। देवमती जात? अच्छा, कहाँ से है? अपना कौन पंचायत से? बसनिया से। जो तालाब देखा था, एक बारे में अपना कुछ जानी था? हाँ, तो भाई यह काम करे ही है मान। अच्छा, काम करे है? हाँ। कई दिना काम करे है? अरे कम से नहीं मिला है, 80-90 रोज काम करे है। मजदूरी मिल गई का? दोनों पर आने मजदूरी मिल गई का? अरे भाई आधा थोड़ी मिलल बा, भाई आधा थोड़ी मिलल। के दी सी मजदूरी? अब के दी वेक्षे वह निजर साहब का कहत हैं आवत हैं। अच्छा, कौन कौन साहब? निजर साहब तो कहत हैं क्या आवत हैं। अच्छा अच्छा, तो यह बांध में के काम करे बा? कहे कहे काम हुआ है बांध में? बांध में मतलब जेसीबी से काम होल बा, ट्रैक्टर से। अच्छा, जेसीबी कई दिन चली बा? यार जेसीबी तो रात दिन हो, महीना दिन चले बा। अच्छा, और ट्रैक्टर? ट्रैक्टर वे लोड करा तो ट्रैक्टर आना माटी गिरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब अपना मजदूरी नहीं मिली बा? हाँ तो भाई मजदूरी हमारा 80-90 रोज काम करे ही, दोनों पर आने सारा झूठ जेठ भा करे ही, असार भा करे ही। हाँ, जेठ असार पूरा अपना काम करे। पंचायत क्षेत्र बसनिया के कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं, और आइए इससे हम लोग रूबरू कराते हैं। जी भैया, अपना नाम बताइए। परमेश्वर सिंह। परमेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत बसनिया। बसनिया, अभी आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना हुआ है, उसमें आपने काम किया है क्या? जी। आपको जानकारी है कब से काम हुआ है? हाँ सर। हाँ, अपना नाम बताइए। हीरा सिंह। अच्छा, तो आपने भी काम किया है? जी सर। तो मजदूरी मिल चुकी है कि नहीं मिली है? अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है? कितने दिन आपने काम किया है? मैंने तो वहाँ 3 महीने तक किया। 3 महीने तक? आप कितने महीने तक काम किए? 2 हफ्ते। अच्छा, तो ये बताइए कि काम कौन करवा रहा था इसमें? काम है इंजीनियर। इंजीनियर? हाँ। नाम मालूम है इंजीनियर साहब को? इंजीनियर को नाम है, तो थोड़ा समय लगेगा, मतलब क्या नाम है। अच्छा चलिए, और बताइए इसमें और कहे काम हुआ है बांध में? उसमें हुआ है जेसीबी। हाँ। ट्रैक्टर? अच्छा, आदमी? अच्छा, जेसीबी कितने दिन चली है? जेसीबी करीबन मतलब हमारे आंकड़े से। हाँ। क्योंकि जब स्टाफ चक डैम जो होता है ना जी, यही लगा हुआ था, मैंने यहाँ चौकीदारी करते थे जी, तो वहाँ मतलब 2 महीना लगातार जेसीबी चला। 2 महीने? 2 महीने अमृत सरोवर में? अच्छा, चल रही थी बीच बीच में। आपको भी जानकारी है क्या जेसीबी की? जेसीबी आप नहीं जानते? जेसीबी चली थी? हाँ। लेकिन चल रहा है, देख रहे हैं। नहीं, उसमें जब जेसीबी काम हुआ कि नहीं हुआ अमृत सरोवर में? हुआ है। तब आप कह रहे हम नहीं जानते, मतलब जेसीबी चली ही नहीं चली, जेसीबी काम हुआ है? हम ये नहीं पूछते हैं कि जेसीबी किसकी है, कहाँ से आई है, जेसीबी काम हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। आप लोगों की मजदूरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली है। अभी कितनी मजदूरी शेष है? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे पास जनपद पंचायत चितरंगी के सीओ साहब हैं। आप सीओ साहब से हम जानना चाहते हैं कि अमृत सरोवर बांध, चूँकि यह बांध 65,50,000 का है, बसनिया पंचायत में बना है, चूँकि उसका जो पूर्ण दिवस है वो भी पूरा हो गया है 15 तारीख को, और वहाँ पर लोगों की शिकायतों के बाद आज हमने जाकर देखा कि वहाँ पर बांध का जो पिचिंग है वह गिर गया है एक साइड का, और दूसरा बीच में पूरा दरार आ गया है, और वहाँ का काम अभी अपूर्ण है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? चूँकि पूरा जो अवधि थी वो पूर्ण हो चुकी है 15 तारीख को, 15-8 को।
इसके बारे में क्या कहेंगे। और वहाँ की दूसरा प्रश्न है और इसी में है कि वहाँ मजदूरों से मजदूरी न करा करके जेसीबी से ट्रैक्टरों के द्वारा जो है तो बांध बना गया है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है और निश्चित रूप से इसकी जांच कराएंगे जी, और मशीनों की भी जांच कराएंगे जी, क्योंकि मशीन का हमने सरोवर में अलाउ किए हैं जी, शासन द्वारा अलाउ किया गया है जी, और मजदूरों से भी अलाउ किया गया है जी। तो ये बांध का जो आपके माध्यम से संज्ञान में आए इसकी निश्चित रूप से जांच करा के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उसका बेस जो है जो न्यू जो है वो सही ढंग से नहीं भरा गया है, इसलिए बीच में पूरा दरार आ गया है, आपको वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया भी है, पूरा दरार आया गया है। तो ऐसे न अधिकारी इंजीनियर के ऊपर क्यों न कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय बाढ़ की स्थिति जहाँ जहाँ बन रही है भारी अनियमितता और शिकायत आ रही है, इसमें इस बात को संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई बनता है कि नहीं बनता है। नहीं, यदि ऐसा पाया गया तो बनता है, कार्रवाई तो बनती है और SDO RDS के माध्यम से जांच कराई जाएगी निश्चित रूप से। लगभग कितने दिनों में ये कार्रवाई, ये तो जांच का है क्योंकि मामला, तो इसमें टाइम लग सकता है 10-20 दिन जी जी, पर निश्चित रूप से जांच करवाएंगे। इसमें मनरेगा की SDO का क्या क्या रोल रहेगा सर? मनरेगा के SDO का ही तो मुख्य रोल है इसमें, ई का रोल है, ई साहब का भी है, ई साहब को भी पत्र जारी करेंगे जांच के लिए जी, और अभी जनपद स्तर से SDO के माध्यम से जांच करवा के फिर वरिष्ठ कार्यालय के प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।